देखिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो फ्रॉड की दुकान है। देखिए जैसे अरविंद केजरीवाल जी की दुकान में सारा माल नकली होता है, ऐसे कांग्रेस की दुकान नकली होती है। बस दोनों में इतना अंतर है, उसका माल नकली है, इनकी दुकान ही नकली है। ये आज फ्रॉड कर रहे हैं, 10 साल तक इनका राज रहा तब तो ना आपको हमारी बहन बेटी याद आई, ना आपको देश याद आया, तब आपको 2G 3G और जीजा जी याद आए। रोजगार आपको सारा जीजा जी के लिए चाहिए था, पैसा आपको अपने परिवार के लिए चाहिए था, और जब सत्ता चलेगी तो आपको आप लोग याद आ रहे हैं। तो सब लोग ये फ्रॉड को जानते हैं और लोगों से पूछ रहे हैं हमें राय दो। राय तो मैंने दे दी आपके सामने कि 1984 के जो कातिल हैं इनको पार्टी से बाहर निकालो, और मैनिफेस्टो में और राय चाहिए तो 1984 के जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दो, इन लोगों को जेल में डालो। और आप अगर मैनिफेस्टो में बदलाव लाएं तो सही, लेकिन आप मुस्लिम लीग की सोचें, और पाकिस्तान अगर आपका मैनिफेस्टो ड्राफ्ट करेगा तो उसमें तुम्हारे भले की कोई बात नहीं हो सकती। ये देखिए वो तो उनकी निजी राय, कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मना थोड़ा किसी को कर सकता है, लेकिन ऐसा है हमारे लोग बहुत सूझवान हैं। आज जनता हमसे ज़्यादा सूझवान है, जनता के पास हमसे ज़्यादा साधन है। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा है 100% रिसर्च करके दिखाया, इसीलिए हर बार उनकी वोटें बढ़ती हैं, सीटें बढ़ती हैं। 303 से इस बार 370 पार करेंगे, ये शायद देश में पहली बार इतिहास में होने जा रहा है। हम अजय भट्ट जी के लिए यही विनती करते हैं, अजय भट्ट जी जब 4 लाख 5 लाख वोटों से जीत के जाएँ तो उसमें 1 लाख वोट हमारी भी होनी चाहिए। जब वो जीत के जाएं तो ये संदेश होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी ने एक तरफ उनको वोट डाली है, मोदी जी की इस तरक्की में हमारे सिख उनके साथ हैं। ये भट्ट जी के पास मैसेज भी जाना चाहिए, खाली वोट ही नहीं जानी चाहिए, वोट की आवाज़ भी जानी चाहिए।